मॉर्निंग इरेक्शंस या मॉर्निंग उद्बुद क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मॉर्निंग उद्बुद या मॉर्निंग इरेक्शंस उसको बोलते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं तो उठने के समय कुछ समय तक आपका पेनिस इरेक्ट है और उसको बोलते हैं मॉर्निंग उद्बुद, इरेक्शन ऑफ द पेनिस when you are waking up in the morning। रात में वैसे सोने में मतलब आप 6 से 8 घंटे नींद लेते हैं तो nocturnal erections भी आते रहते हैं, और nocturnal erections जो आते हैं वो 10 मिनट से लेकर आधे घंटा, मतलब इतना एक एक erection चल सकता है, लंबा चल सकता है, और वो 2 से 5 बार रात को नींद में erections आते हैं। यदि रात में सपने में या मतलब नींद में इरेक्शंस आते हैं, इसका मतलब आपका आपके नर्वस सिस्टम ठीक है, एकदम परफेक्ट है, आपका आपके ब्लड वेसल्स परफेक्ट है, मतलब बॉडी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में कोई आता है कि भाई हमको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, कठोरता नहीं आती लिंग में, तो हम पहले पूछते कि रात में आता है क्या इरेक्शन, नींद में आता है क्या, बोलते हाँ नींद में आता है। अच्छा, इसका मतलब बॉडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो मानसिक है। यदि वो बोलता है कि भाई नहीं रात में आता नहीं है इरेक्शन, या सुबह जब उठते हैं तब मालूम नहीं पड़ता है इरेक्शन, तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। भाई पहले रात में आते थे इरेक्शन, जब भी कभी जाग आ गई रात में, नींद में जाग रहे तो एकदम फटाक से अपने को दिखेगा कि इरेक्शन है, या सुबह उठते तो इरेक्शन दिखेगा, मगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई आजकल है ना, मैंने देखा 2-4 महीने से ना रात में कभी नींद में इरेक्शन रहता है या सुबह उठते इरेक्शन रहता है, रहता ही नहीं है। तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो शुरुआत है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने की, या ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, मतलब कुछ ना कुछ बॉडीली प्रॉब्लम हो रहा है क्या, उसके वजह से रात में इरेक्शन आता नहीं है, देखना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको दवाइयाँ हैं, दवाई चल रही है, और वो दवाइयां जो है वो इरेक्शन को बाधा ला रही है नींद में। तो ये सभी समझो, पहले इरेक्शन आ रहा है और अभी इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो तुरंत आपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को संपर्क करने का और एक इलाज है कि भाई ज्यादा समय तक इरेक्शन चल रहा है, सुबह उठने के बाद में जाग गए और तभी भी इरेक्शन है और वो आधा आधा एक घंटा डाउन नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, तभी भी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। दोनों मतलब ज्यादा भी है कम भी है या नहीं भी है। अच्छा, ये आता क्यों है इरेक्शन, इसके बारे में अलग अलग थियरीज है। एक थियरी के मुताबिक फिजिकल स्टिमुलेशन होता है, मतलब आप आपके पार्टनर के साथ में सोए हैं, आप जाग नहीं रहे, आप सोए हैं और तभी भी टच हो जाता है बॉडी को, बॉडी हाथ जाता है एक दूसरे के ऊपर और उससे स्टिमुलेशन जो होता है उससे नॉक्चर्नल इरेक्शन आते हैं, एक थियरी। नंबर दो, हार्मोन जो है वो रात में बढ़ते हैं, सुबह जब उठते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से इरेक्शन आ सकता है। नंबर तीन, जब आप जागते हैं तो ब्रेन के हार्मोन जो है वो इरेक्शन को दबाते हैं, दिन में इरेक्शन होने देते नहीं। अब क्या है कि ये जो हार्मोन से जो इरेक्शन नहीं होने देते हैं वो हार्मोन्स रिलैक्स रहते हैं क्योंकि ब्रेन रात में रिलैक्स है, तो इनहिबिटरी हार्मोन जो है जो इरेक्शन नहीं होने देते वो हार्मोन का काम बंद हो गया तो इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरी स्टडी है, मतलब तीसरा एक हाइपोथेसिस है। चलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप सपने देख रहे हैं और सपने में आप सेक्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। पांचवा है कि सेक्स के विचार आ रहे हैं, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस थॉट्स चालू है अंदर और उसकी वजह से इरेक्शन आते रहता है। तो इस तरह के अलग अलग हाइपोथेसिस है कि रात में इरेक्शन होता क्यों है। नॉर्मली यह है कि भाई जब आदमी जवान रहता है 20 से 40 साल ये उम्र में रात में इरेक्शन आना नॉर्मल है, सुबह उठते हैं तो इरेक्शन आते हैं जिसको मॉर्निंग मूड बोलते हैं वो भी नॉर्मल है, और वो नहीं आते तो प्रॉब्लम है। और जब इरेक्शन आ रहे हैं इसका मतलब, और रात में इरेक्शन आ रहे हैं, सुबह इरेक्शन आ रहे, सेक्स करने के समय सेक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडीली प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग का प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही बेस्ट टेस्ट है वैसे देखा जाए तो। जब हमारे पास में कोई आता है पेशेंट, बोलते हैं कि रात में हो रहा है क्या, हाँ रात में होता है, सुबह होता है कि इरेक्शन, हाँ सुबह होता है, चलो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मॉर्निंग मूड है, मॉर्निंग इरेक्शन है और ये अच्छी साइन है।
टोटल जो है वो 10 से 30 मिनट तक, कुछ कुछ लोगों का एक एक घंटा तक भी चलता है रात का इरेक्शंस या मॉर्निंग इरेक्शंस। तो और ये अच्छी साइन है, यदि इरेक्शंस हो रहे हैं इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, फिजिकली आप फिट हो, ब्लड वेसल्स ठीक है, नर्व्स ठीक है, सब बराबर चल रहा है और आपके सेक्सुअल सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब ठीक है, ऐसा उसका एक सर्टिफिकेट है। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।